गलती करके या बेर पास हो जियो, तीसरी बेर फेल होते ना देख पाऊंगी मैं तुम्हें और ना यासु ज्यादा अपनी बदनामी करवा पाऊंगी, तो बस कैसे करके पास हो जियो प्रभु। पास पास तुम पिछली साल ही हो जाते मम्मी। तो हुए क्यों ना? वो तो मास्टर जी ने हम दोनों के फर्रा पकड़ लिए। पढ़ाई लिखाई तो होती ना, फर्रा भी दुकाने ना आते तुम पे। या बेर फर्रा ले जाओ, कुछ भी करो, वो पास जियो तुम दोनों, याद है ना सब? क्या कह रही हो मम्मी जी, फर्रा ले जाओ? कैसी बात कर रही हो आप? मैं 10th क्लास को 3rd टाइम कर रहा हूँ, मुझे तो पॉइंट टू पॉइंट सब लर्न है। और तो क्या याद है? मो सब याद है, मो पानीपत के तीनों युद्ध याद है। पेपर का चीज का? केमिस्ट्री का। का चीज का? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री कहनी ना आ रही है, पेपर देने जा रहे हैं, किन गधान की आरती उतार रही हूँ मैं भी। कुछ पैसा दे दो पेन पेंसिल को। पैसा दे दो कर तो मैं ये 100 रुपया भी बर्बाद ही रही हूँ तुम पे, पर कोई बात ना, आखिरी बार रिस्क ले रही हूँ। 50-50 रुपया और दे दो, दफ्ती लेनी है। दफ्ती लेनी होगी, आज ही लेनी होगी है ना? पापा से मोटरसाइकिल तो दिवा दो। दिवाओ मोटरसाइकिल, मोई पिंटू और क्या जाना। ना तो ये बहाना बढ़ा देंगे कि टम्पू ना मिला, हम पेपर में लेट हो गए, पेपर छूट गया। उरा ले जा भैया ले जा, चारी के मेरे सिर पर धरी है और खून टिप टांग रही है, ले जा। ठीक है पापा मैं ले लूंगा। अब जब मोटरसाइकिल से जाएंगे तो तेल को पैसा बचिए, 100 रुपए दे दो। ठीक मम्मी, पास हो के आएंगे। यही रुको एक मिनट। हाँ भाई, कुछ तैयारी व्यारी है पेपर क्या? बस धक्का ही लग रहा, मो तो उम्मीद है ना। लो ये दही बूरे भी खाते जाओ, समझा तो भी मिलेगा। कोई रास्ते में गाय वाय दिखे तो यार रोटी खवा दियो, क्या पता तुम्हारा कुछ भला हो जावे। ठीक मम्मी, राम राम जी। राम राम। और हाँ मम्मी, टिफिन दे दियो यार सु, भूलिए मत कताई भी। हाँ हाँ दे जाऊंगी, 3 घंटा के पेपर में भी टिफिन चाहिए ना। हमारी मम्मी है तो हम पागल दिखे, उन्हें कहा पता है ना, पूरी दुनिया पागल बना रखी है। और यार हमारा पेपर हमारी मर्जी से होना चाहिए, चाहे हम चीटिंग कराए फर लेके जावे, उन्हें कहा मतलब। और वैसे भी यावेर तुम्हारा पास होना फिक्स है यार। और कहा पर एक बात बताऊं नितिन भाई, मो यू बात पहली बार पता पड़ी कि केमिस्ट्री है केमिस्ट्री कहवे। और चाचा को काचा क्यों ना कहते। अब तो एक कम कर, राम और क्यों ले ले, यू गाय की रोटी देनी है वहाँ। हाँ यार खबा दे यार पहले। हाँ तो फेल हो जाएंगे गाय की रोटी, गौ माता राजी रहनी चाहिए। बस पास हो जाने चाहिए हम आज। अब सुन भाई, गाय रोटी तो खवा दी है, अब एक काम कर ले रे, मंदिर चले चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा तू, मंदिर लगा पहले जल्दी। हाँ मंदिर चल रहे हैं ना, क्योंकि भाई बिना आशीर्वाद के थोड़ी देर पास हो जाएंगे यार। सही बात है यार, बाबा सुदेख कहनी जरूरी है। जल्दी चल, जल्दी चल बाबा, बस कैसे भी करके पास करवा दी बाबा, ना तो हमारी मम्मी जो है ना हमें कहीं पिंचर वाले की दुकान पर लगा देगी बाबा। बस कैसे भी यह वाले पेपर हम पास करवा दियो, यही पेपर हम तीसरी बार देने जा रहे हैं, 3 साल हो गए मैं यही 10वीं क्लास में, बस यह पास करवा दी बाबा। बाबा पास तो हम पिछली बेरी हो जाते, पर क्या हुआ कि मास्टर ने हमारे फर्रे पकड़ लिए, या फिर बस तुम इतना कर दो कि मास्टर हमारे फर्रे ना पकड़े बाबा, बस बस। चले जो, जब पेपर में कुछ लिखा गया तो बाबा कहा करेंगे, चल जल्दी। अब Thank you.
भैया मस्तानी भैया क्या कर रहे हो? पेपर देने गया अभी तक। हाँ भाई हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों? हम अकेले पेपर कैसे करें? हमें का कछुआ आता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? भैया फालतू बात नहीं, तुम तो कह रहे थे हम चीटिंग लेके आए हैं। जित तो तुम करे हो पेपर वो तो अमुक बतायो। चीटिंग चीटिंग चिल्ला चिल्ला के सब बता दे चीटिंग लाए हैं। तो भैया चीटिंग तो लेके आए हो ना? फिर आप बता देंगे क्लास में चल लेगा पहले जल्दी। ठीक है तो चलो फिर हम तुम्हारे पीछे बैठे में बता जरूर दियो। फिर आप बता देंगे भैया बता देंगे चल। यार केमिस्ट्री का पेपर सारा छूट जाएगा आज तो। मस्तानी बता दियो सब कुछ ठीक है बता देंगे हम तो। मैं कमिंग सर। नो नो भाई सर तो मैं ना कर रहा। चल 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 ए रुको तुम। ये कौन सा टाइम आने का? सुबह 9:30 बजे केमिस्ट्री के पेपर में। केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा? केमिस्ट्री का पेपर है और वो भी 9:30 बजे। पेपर 8:30 बजे स्टार्ट होता है और तुम 9:30 बजे आ रहे हो। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं खत्म होने में। 2 घंटा ले बताइए नितिन। 2 घंटा में तो पूरा ड्राइंग में ताजमहल बना दूंगा मैं। और वैसे भी 3 घंटा तो ऐसे बाल करने चाहिए रहे। हम जैसे को तो 2 घंटा ही काफी है। और 2 घंटा यू तो तुम्हारी सकल भी नहीं देख सकता। डर लगे यार। वो तो मैडम अच्छे है हमारा आ भी रहे हम पेपर देने। 9 तो हम आते भी 9। अभी तुम्हारा बार मुड़का बना दूंगा चुपचाप पेपर दे लो बैठ गए। और तुम्हारे रोल नंबर क्या है गुरु जी? 21, 22, 23। जाओ जाके बैठो। सर जी हमारी सीट कहाँ है? ये रही 21, ये रही 22 और वो रही 23। वहीं जाके है तुम्हारी सीट। सर जी आगे जब पीछे जगह आए तो 23 नंबर सीट पीछे लगाते। तेरे पीछे चार डंडे ना लगा दूं? सर जी हमें नहीं बैठने आगे सीट पे, पीछे जमीन पे बैठ जाए। आगे जाके बैठ जा चुपचाप चल। सर जी मैं आई गो टू टॉयलेट प्लीज। क्लास में आए 1 मिनट नहीं हुआ तुझे तुरंत बाहर जाना है? ना ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर लिखने बैठ जाऊंगा तो फिर बीच में डिस्टर्ब होऊंगा। ये हमारे पहले करिया हूँ। तो ये बात तुझे पहले याद नहीं रहती? सर जी मैं केमिस्ट्री का पेपर याद रखूँ या मुंह याद रखूँ? अब याद आइए तो जा रहा हूँ। जा यहाँ से और जल्दी आना चल। अब तू कहाँ जा रहा है? सर जी मैं भी तो आजकल केमिस्ट्री याद कर रहा हूँ मैं मुंह भूल गया। बिल्कुल सही गुरु जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 4 days नॉट गोइंग टॉयलेट। निकले यहाँ से और जल्दी आना। सर जी हम चले हैं टॉयलेट। तुझे भी अभी जाना है? सर जी सवेरे सुन के संग ही थे तो बे नहीं गए तो फिर हमू नहीं गए। अब बे चले गए तो हमको बहुत जोर आ रही है। अब ऐसा है उनको आने दो फिर जाना। सर जी बेज तो बहुत तेज आ रही। अरे बहुत तेज बना दूंगा चुपचाप बैठ कर एग्जाम कर ले अपना। मैडम जी तुम कह दो सर जी इसकी भेज दें। चलो ठीक है चले जाओ। थैंक यू मैडम। अरे मैडम क्यों भेज रहे हो इन निकम्मों को? ये बाद में जाके चीटिंग करेंगे। अरे सर 2 गधों के साथ 1 गधा और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे बाहर बुला रहा तू तो हम चीटिंग कैसे करिए? तुम दोनों जने तो पास हो जाइयो। अरे तू गधा कहीं के हम तो अपनी कॉपी दे देते
नूनू करके बाहर बुला रहा टॉयलेट करने को। बेकार में टेंशन ले रहा हूँ यार तू, एक काम कर भीतर चल, बहुत ज्यादा लिखना हो अभी, मैं तो अपनी कॉपी पकड़ा दूंगा। पक्का भैया? हाँ हाँ चल जल्दी चल। अब आ गए हो ना तो चुपचाप बैठ के पेपर कर लो। हाँ बात अधूरी रह गई थी हमारी, बताओ क्यों नहीं ना क्या है? सर जी बी कॉपी दे दो। ए कॉपी भर गई तेरी? हाँ हाँ जी भर दी। एक कॉपी भर गई तेरी? और कहा हल्के में दे रही है, चल आगे देखने गुद्दे भर दूंगा। चल गुरु जी देखिए वो जो आंसर मांग रही है। सभी इधर बैठ। ये हाथ दिखाइए अपना। गुरुजी अरे हाथ दिखाओ अपना। क्या हुआ? हाथ दिखाओ अपना। कुछ भी ना है जी, कुछ भी ना है। अच्छा चीटिंग चल रही है? ओ कूलर पे भी, वाह 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 वाह। पर तेरी एक कॉपी कहाँ है? अच्छा नितिन, वाह कॉपी दे दो। मैं कॉपी दे इधर। मृदुल वाह कॉपी बदली जा रही है, तुम दोनों को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। खड़े हो जाओ। शट अप, खड़े हो, अबे खड़े हो यहाँ से और बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। चलो मुर्गा बन, चलो यहाँ से और मुर्गा बन जाओ चुपचाप। पूरे स्कूल का माहौल खराब कर रखा है, तुम्हारा तो नाम कटवाऊंगा स्कूल से और बाहर फकवाऊंगा यहाँ से। चुपचाप मुर्गा बन जाओ। अरे करवा ली चीटिंग, बनवा दिया मुर्गा और छीने मेरी कॉपी। छीनूंगा ना तो और कहा करूंगा, खुद तो टीप टीप के बी कॉपी मांगे जा रहा, अपना खुद ही केले केले करे जा रहा, हमारा करवाना रहा। हाँ तो बता देता थोड़ी देर में, अगर ना बताता हो तो मैं तो पास हो जाता हूँ। अकेला पास होने की सोच रहे होगा? पास होंगे तो दोनों गैल होंगे और फेल होंगे तो दोनों गैल होंगे, समझ गा? अब बोलो पास, मुर्गा बन लो गैल पहले दोनों। चल तू भी मुर्गा बन। सारे नालायक इसी क्लास में भरे पड़े, ठीक से बन जाओ। और हाँ तुम्हारी दोस्ती तो मैं निभाऊंगा, पढ़ना लिखना तो है नहीं, सारे दिन चीटिंग करना, रामखोर कहीं के। और हाँ तुम सब सीधे हो जाओ। अरे मस्तानी तू बाहर कैसे आया? कजिन भैया पीछे वाली सीट पर देख रहे थे यार, सर्जन पकड़ लो। ये बहुत बढ़िया हो मस्तानी, अब तू भी हमारे गल फेल होएगा। अरे निकम्मो मुर्गा बनाओ ठीक से। सर जी राम राम। राम राम बहन जी। सर जी मैं बालकन को टिफिन देने आई। टिफिन? ओ बहन जी आज तो पेपर का दिन है और टिफिन क्यों देने आए हो? अरे गुरुजी मेरे बालकन ने ना बहुत भूख लगे, मना तो मैंने भी करी कि 3 घंटा का पेपर है आके खा लीजो, लेकिन नो टिफिन दे जियो मम्मी, टिफिन दे जियो, ये हमारा मैं ले आई। और वैसे भी ना तो वे बहाना बना देंगे कि हम भूखे हैं पेपर में, ये हमारा फेल हो गए, खा लें दो बालक ही है। चलो बहन जी ठीक है,
पर बालक ना दिखाई दे रहे गुरुजी। अरे बहन जी दिखाई कहाँ से देंगे, ये देखो यहाँ मुर्गे बड़े बड़े तुम्हारी निकम्मी औलाद। कहा कर दिया हमने, कहा कर दिया, पूरे पेपरों में चीटिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, और तुम्हारे छोटे वाला तो यहाँ चीटिंग जगह जगह चीटिंग छुपा रखी है। क्यों रे, ये हमारे भेजा मैंने तुम्हें स्कूल चीटिंग करने को है। मौसू तो कह रहे सब याद है, ऐसा याद है तुम्हें, यहाँ चीटिंग करनी पड़ रही है तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ लंच देने आ रही हूँ पागल बन के। अबे पागल समझ रखा। मास्टर जी प्लीज इन्हें भीतर बिठा लो, अब के फेल हो गए ना तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचूंगी। ना ना बहन जी, पूरी क्लास का माहौल खराब कर रखा है इन दोनों ने। ना गुरुजी बस यहाँ बेर बिठा लो, तीसरे बेर फेल हो जाएंगे ना तो मेरे मैके तक बेइज्जती हो जाएगी। बहन जी आप कह रहे तो ठीक है, लेकिन इनको समझा के जाना कि क्लास में चीटिंग ना करें लोग। समझ में आ गई ना, अब के ना हो जानी चाहिए चीटिंग। जाओ अंदर पकड़ लिया, चलो भीतर। दोबारा नहीं दिखनी चाहिए चीटिंग तुम्हारे पास, परेशान कर रखा है। अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और अपना पेपर जल्दी करें, अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो उसकी कॉपियां फाड़ दूंगा, ध्यान रखना। अब जल्दी करो, ओए टिफिन खोल जल्दी। सर जी कॉपी फाड़ देंगे, वैसे भी तो फेल ही हो जाएंगे। हाँ बेटा, मृदुल के टिफिन के नीचे चीटिंग है। अब होके दिखाओ तुम पास हैं? अब होके दिखाओ तुम पास। हाँ गुरुजी, कॉपी तुमने फाड़ दी है, अगर हम पास ना होंगे ना तो पूरी क्लास में कोई भी पास ना होएगा। पेपर कैसा लगा आपको, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें अपने पुराने दोस्तों के पास जो आपके साथ स्कूल में पढ़े थे, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखो बिना सेटिंग और बिना दोस्तों के साथ शेयर हुए बिना रुकने नहीं चाहिए, फटाफट सबके साथ शेयर कर दो। और जो लोग स्कूल लाइफ के लिए बार बार बोलते रहते हैं तो उनको थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा, क्योंकि वही वाला टेस्ट जैसा ये वीडियो में। बाकी स्कूल लाइफ वीडियो जल्दी आएगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसके लिए हम इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया स्टोरी पोस्ट करते रहते हैं, उसके लिए आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। और हमारे साथ पेपर देने के लिए हमें इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगले साल हम अपना स्कूल भी बदल रहे हैं, तो जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं अगर आपको पता करना तो आ जाओ, एडमिशन साथ में लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, नई नई वीडियो आती रहेंगी, मौज लो, राम राम जी।